नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और ट्रांसपोर्ट गुरुजी में आपका स्वागत है। आज फिर से हमारे जो सेगमेंट है इंटरव्यू का सेगमेंट है, और आज हमारे साथ है बेनीवाल लॉजिस्टिक्स से मिस्टर भागचंद बेनीवाल। एक्चुअल में जब मैं ये अपना चैनल स्टार्ट किया था तो उस समय सबसे पहले इनके साथ मैं पहला जो इंटरव्यू था मैं इन्हीं के साथ किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहाँ पे वीडियो जाकर के देख सकते हैं। साथ में वीडियो का लिंक भी मैं आपको वीडियो के सबसे लास्ट में दे दूंगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुछ ट्रक सेगमेंट के बारे में, और इनसे जानते हैं कि छोटी गाड़ियों को अगर बिजनेस करना हो तो किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि टाटा 407 हो गया, टाटा एस हो गया, चैम्पियन हो गया, इसको किस तरह से हम इसमें बिजनेस हम कर सकते हैं इस गाड़ियों से, और इसको हम कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, और इससे इनकम कितना होगा, आज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। भागचंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो बताइए, जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं, और मैंने जब लास्ट वीडियो आपका डाला था तो उसमें नंबर डाला था, तो मैं भी आपके पास कॉल्स भी आ रहा है उससे रिलेटेड, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो जानना हम ये चाहते हैं कि अगर हम कोई छोटे गाड़ियों का, हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो है जो स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, या बिजनेस चला रहे हैं बट उनको सही से समझ में नहीं आ रहा कि छोटे गाड़ियों का बिजनेस कैसे करें, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से छोटे गाड़ियों के लिए कस्टमर मिल सकता है, और छोटे गाड़ी कितने दूर तक आप कोई लेकर के जा सकता है? छोटी गाड़ियों का काम बेसिकली यहाँ जो सिटीज़ है ना वहीं चलता है छोटी गाड़ियों का काम, जैसे दिल्ली NCR में छोटी गाड़ियों का बहुत काम है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, पिकअप डिलीवरी कर सकते हैं या फिर और भी कुछ किसी तरह का कोई और बिजनेस कर सकते हैं? डायरेक्ट कंपनी से भी काम कर सकते हैं, 100-150 किलोमीटर तक आप में बोलेरो पिकअप तक का काम आराम से कर सकते हैं उसमें, बोलेरो पिकअप तक का। तो इसमें मैं बताऊं तो अगर टाटा एस किसी के पास है और वो अपना टाटा एस कोई खरीदा है और उसको चला रहा है, तो उसमें उसको कितना इनकम कितना हो जाएगा मंथली एक गाड़ी से? और रेगुलर कोई कस्टमर मिलता है उसको चलाने के लिए, जैसे कंपनी से या ट्रांसपोर्ट से, तो 30-40 हज़ार रुपये वो आराम से बचा सकता है। 30 हज़ार रुपये आराम से, 30 हज़ार रुपये का वो जो होगा वो उसका प्रॉफिट होगा या फिर उतना उसका कमाई होगा उस गाड़ी से? उसके बाद उसका वो EMI जाएगा वो अलग से, और वो है 40 हज़ार रुपये पर मंथ उसका आ जाएगा। 40 हज़ार रुपये पर मंथ, तो उसका काम होना चाहिए 60-60 हज़ार रुपये का पर डे, दो ट्रिप होना चाहिए दिल्ली NCR में। अच्छा, दो ट्रिप अगर मारेगा तो तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये हम मान के रखे हैं कि उसमें वो प्रॉफिट वो कर सकता है आराम से। तो 30-60 हज़ार रुपये का आपको लगता है दिल्ली NCR के अंदर 60 हज़ार रुपये का पर मंथ काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैं ये देखा हूँ कि गाड़ी जब अटैच करते हैं छोटी गाड़ी का तो वो 38 से लेकर 45 तक में अटैच करते हैं। बिल्कुल, तो अगर 38 से 45 तक में अटैच करेंगे तो उसमें तो उतना प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, उसमें फिर गाड़ी मालिक को कोई टेंशन नहीं रहता है ना, वो गाड़ी दे दिया फिक्स हो गया। ओपन मार्केट में चलाएगा तो गाड़ी मालिक को टेंशन जरूर रहेगा, थोड़ा मार्केट में घूमना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, हाँ, उसको खुद को इन्वॉल्व रहना पड़ेगा उसमें, उसी का एक्स्ट्रा 15 हज़ार मिलेगा उसको। अच्छा, मतलब जितना ज़्यादा वो इंटेंशन अपने बिजनेस पे देगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो सकता है। छोटी गाड़ी का तो ऐसा है, फिक्स कर दिया तो मतलब फिक्स ही हो गई, वो 12 महीने के लिए फिक्स कर दिया, 1 साल के लिए कर दिया, उसको ड्राइवर की सैलरी देनी है, EMI जानी है, वो भूल गया उस गाड़ी को। अच्छा, तो हम बात करते हैं अगर कोई टाटा एस का 800 रुपये का कोई ट्रिप किया है तो उसमें उसका एक्सपेंस कितना ऑलमोस्ट हो सकता है? 800 रुपये का ट्रिप किया है तो उसमें 200 रुपये की गैस लग जाएगी उसकी, ठीक है। दिल्ली में या यूपी से दिल्ली में जाएगा ना तो 100 रुपये का गैस लग जाएगा, 100 का टोल लग जाएगा उसका, बस यही एक्सपेंस है। और ड्राइवर का खर्चा जो है वो तो पर डे का कैलकुलेट कर लो महीने के हिसाब से। अच्छा, तो अगर इसमें कोई ड्राइवर रखता है तो कितना तक के सैलरी में ड्राइवर मिल सकता है? 12-13 हज़ार रुपये के, 12 से 15 के बीच में मान के चलो, टाटा एस के केस में। और अगर टाटा 407 किसी के पास हो तो उस कंडीशन में? टाटा 407 के लिए 15 से प्लस में ही रहेगा, 15 से 20 के बीच, 15 से 20 के बीच में ड्राइवर का जो सैलरी होगा। टाटा एस जो है ना वो दिन में ही चलता है लगभग, रात का बहुत कम होता है, और ड्राइवर भी दिन में ही रहना पसंद करता है। और टाटा 407 है उसमें सोने की भी जगह रहती है, तो ड्राइवर 24 घंटे के लिए उसमें काम कर रह सकता है, उस गाड़ी पे चला सकता है उसको। ओके, उसी हिसाब से वो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ऐसे रहते हैं, जैसे 15 हज़ार रुपये सैलरी दिया और 200 रुपये ट्रिप का दे दिया या 100 रुपये ट्रिप का दे दिया, नाइट में गया, जैसे दिन का तो 15 हज़ार सैलरी हो गया, नाइट का चक्कर मारा तो 200 रुपये ट्रिप बन गया, तो वो उस हिसाब से काम करवाते हैं डे नाइट 14 फुट गाड़ी में। ओके, तो अभी जैसे आप वीडियो से पहले बता रहे थे कि आपने गाड़ी भी लिया है, तो ये गाड़ी कौन सी है? ये बोलेरो है, बोलेरो पिकअप, महिंद्रा बोलेरो जो 1700 किलो पासिंग है, 1700 किलो का जो पासिंग आता है। हाँ, तो ये तकरीबन ये गाड़ी कितने तक में मार्केट में आ जाती है आज के रेट में? देखो, लोन करा के लोगे 3 साल का तो ये 8 लाख का तो
शोरूम वैल्यू है इसकी, ठीक है। लोन वन लेके 9.5 तक पड़ता है ये, 9.5 तक का। हाँ, और इसके पेपर्स वगैरह के भी खर्चे आते हैं? सब इसी में आ जाते हैं। किस तरह के पेपर के खर्चे जो है, किस तरह के कितना देखो, हो सकता है उसमें? ये बोलेरो पिकअप दो प्रकार की आती है, एक नेशनल परमिट भी है, एक ओनली जैसे यूपी का है तो यूपी का ही आता है, ठीक है। नेशनल परमिट लोगे तो 18,000 रुपये पर साल का वो अलग से भरना पड़ेगा, और इंश्योरेंस का 27,000 रुपये का साल का इंश्योरेंस भरना पड़ेगा, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, तो बोलेरो पिकअप की बात करें तो महिंद्रा ये बोलेरो पिकअप जो है कौन कौन से कंपनी बनाती है एक्चुअल में? महिंद्रा और टाटा का भी बनाता है, टाटा वाले जो उसका टाटा एक्सॉन जो कंपनी है वो भी बनाता है, फोर्स भी बनाता है। ओके, हाँ, तो महिंद्रा से महिंद्रा का बोलेरो लेने का कारण क्या है? इसका मार्केट वैल्यू बढ़िया है, महिंद्रा का मार्केट रीसेल वैल्यू ठीक है इसका, दोबारा इसको हम रीसेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे यूपी के अंदर किसी गाड़ी का जो वैलिडिटी होता है, जैसे दिल्ली के अंदर दिया हुआ है 10 साल या 15 साल, यूपी के अंदर भी ऐसा कुछ है क्या? यूपी के अंदर कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जो है ना तो वो तो डीजल 10 साल ही है। अच्छा, सीएनजी 15 साल है। अच्छा, डीजल का 10 साल और सीएनजी का 15 साल। ओके ओके, तो इसमें जैसे जो महिंद्रा पिकअप कोई ओपन खरीदता है तो उसमें बॉडी वगैरह जैसे दूसरी गाड़ी में क्या होता है, सिर्फ चेचिस मिलता है, महिंद्रा बोलेरो में तो चेचिस मिलता है? चेचिस भी ले सकते हो आप, बॉडी भी ले सकते हो, डाला जो हाफ डाला आता है गाड़ी में जो निकलता है, हाफ डाला भी निकलता है, चेचिस दोनों निकलता है। ओके, तो फिर आपने इसमें अलग से बॉडी वगैरह बनाया होगा? हाँ, देखो उसका डाला जो साथ में ही आता है क्या, उसको ना आप चेचिस लोगे तो वो डाले का अमाउंट कट जाता है, 20,000 रुपये कट जाते हैं वो डाले के। ओके, okay, okay. डाला रखना चाहते हो तो 20,000 रुपये प्लस होके आएगी गाड़ी आपका। अच्छा, कोई अगर इसमें बिजनेस करना चाहे, कोई गाड़ियों का बिजनेस करना चाहे, अपनी छोटी गाड़ी रखना चाहे, तो कितने कस्टमर को लेकर के वो बिजनेस एक गाड़ी खरीद सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद हम लोगों का ईएमआई टाइमली नहीं जाता है, छोटी गाड़ी में तो ऐसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बड़ी गाड़ी में ज़्यादा। गाड़ियों पर बात है, वो मार्केट बनाना है तो गाड़ियों पर बनेगी मार्केट, ऐसे एक गाड़ी लेके मैं किसी की पूर्ति नहीं कर सकता, और ना एक गाड़ी से एक के ऊपर चलाऊँगा तो उसका मेरा ई एम आई नहीं जाने, तो उसके लिए अलग अलग कस्टमर से आप कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेनली कहाँ का कॉन्टैक्ट? मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें मेरे को जरूरत नहीं है कि मैं इधर उधर भागूँ, ठीक है। तो मेरा गाड़ियों का सही सिस्टम है, लेकिन हम मार्केट से जैसे देखते हैं, मार्केट में खेलते हैं, तो मार्केट के लिए हमें कम से कम 5 ट्रांसपोर्टर या 5 कंपनी हमें पकड़नी पड़ेगी, उसके बेस पे कम से कम 4 गाड़ी चाहिए अपनी हो, चाहिए वो मार्केट से लगा के उसको दे, तब अपनी गाड़ी का ई एम आई आप टाइम से भर सकते हो, उनको सबको टाइम पर गाड़ी देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब कि वो टाइमली अगर वहाँ से मैनेज किया जाए गाड़ियों को और मटेरियल को, आपने एक गाड़ी ले ली, एक गाड़ी से आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। अच्छा, उसके लिए गाड़ियों का भी संख्या होनी चाहिए, मार्केट आपको चाहिए। आप कस्टमर हो मेरे, आपको 2 गाड़ी चाहिए और मैं रेगुलर आपके साथ काम कर रहा हूँ, आप सोचोगे उसी गाड़ी से मैं दूसरा काम कर दूँ तो नहीं हो पाएगा, उसका काम हैम्पर होगा तो वो आपसे नहीं करेगा, दूसरे से करेगा। अच्छा, इसलिए आपको उसके लिए मार्केट से भी कभी नुकसान में भी काम करना है तो मार्केट से लगा के आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अपनी वैल्यू वहाँ बना के रखनी पड़ेगी, तब वो आपकी गाड़ी वहाँ पर रेगुलर चलती रहेगी। ओके, तो अभी के टाइम में जैसे बोला जाए आपका जो टनेज है, डिलीवरी टनेज वो ऑलमोस्ट कितना होगा? वो तो 500 टन का है मेरा मंथली, पिकअप डिलीवरी दोनों मिला के 700-800 टन है, 700-800 टन का मंथली। तो आपका तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता, मेरा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे छोटी गाड़ियों का 5 गाड़ियों का आराम से मैंने। अच्छा, ये पेमेंट का क्या, पेमेंट टाइमली मिल सकता है इसमें या फिर? देखो, हर कंपनी में जैसे 2 महीने का तो शेड्यूल रहता है, 1 महीने आप काम करोगे 15 दिन में उसका बिल दोगे, 15 दिन या 20 दिन बाद में कंपनी पेमेंट देती है, कोई भी कंपनी 1 महीने बाद में देती है, तो 1 तारीख हमने जो पेमेंट लगाया है, जो 1 तारीख को जो चक्कर मारा है उसका 2.5 महीने बाद में हमें पैसा मिलेगा। अच्छा, मतलब तब तक उतना पेमेंट का बैकअप किसी को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी हो सकता है। अच्छा, और मैं बात करूँ इसमें जो पीओडीज वगैरह आता है, तो आपका जो डिलीवरी है वो सारा का सारा होम टाउन डिलीवरी है या फिर कहीं बाहर भी भेजते हो? ना, मेरा ये डोर टू डोर है, होम टाउन डिलीवरी है सारा का सारा, मतलब कि पीओडी आप उसी समय कलेक्ट कर लेते हो? उसी समय कलेक्ट कर देते हैं, और बहुत सारी कंपनियां क्या आजकल ऑनलाइन सारा सिस्टम कर रखा है, वहीं पे अपना डिलीवरी प्रोसेस कंप्लीट करवा देते हैं। ओके, तो अभी के टाइम में अगर मैं देखा जाए, जैसे बिल सबमिट करने का बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि क्या मुझे जीएसटी लेना जरूरी है, तो जीएसटी क्या, जीएसटी लेना जरूरी है या फिर बिना जीएसटी का भी हम कर सकते हैं काम? बिना जीएसटी का भी कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम काम कर रहे हैं तो। अच्छा, हाँ, और जैसे अपना लॉजिस्टिक फर्म से अपना बिल्टी बना के काम करना हो तो उसके लिए जीएसटी लेना पड़ेगा।
और रिटर्न भरनी पड़ेगी उसमें। तो रिटर्न भरोगे तो वहाँ जीएसटी ऑटोमेटिक लेना पड़ेगा आपको। ओके, अगर मैं बात करूँ किसी को नया कस्टमर लेना खोजना है उसके लिए क्या कर सकता है, किस तरह से कस्टमर के पास, जैसे कोई ट्रांसपोर्टर के पास आप बात कर रहे हो छोटी गाड़ी का, छोटी गाड़ी के लिए पहले कस्टमर के पास, कोई भी कस्टमर आप यहाँ दिल्ली एनसीआर में आपको खोजना है तो आपको डायरेक्ट वो माल नहीं देगा, ठीक है। आप उसके पास जाओगे भी आपका माल कहाँ कहाँ डिस्पैच होता है, कौन सी ट्रांसपोर्ट में होता है, ट्रांसपोर्टर आपका यहाँ से पिकअप करते हैं या आप खुद ड्रॉप करते हो वहाँ, तो वो बोलेगा कि हम खुद ड्रॉप करते हैं, तो वो खुद ड्रॉप करते हैं, वहाँ जाके आप अपने आप खुद उससे बात कर सकते हो कि मैं ये माल आपको उस ट्रांसपोर्ट में ड्रॉप कर सकता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आप उसमें कंपनी में घुस सकते हो, उसके बाद 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक का एरिया का डिलीवरी जो आप खुद कर सकते हो वो भी कर सकते हो। ओके, बताइए इस तरह से कस्टमर्स वगैरह खोजा जा सकता है अपने बिजनेस के लिए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो दोस्तों आज देख रहे थे आप हमारे साथ मिस्टर भागचंद वेणीवाल थे, जो कि मुझे अपने वो अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, जो गाड़ी उन्होंने अभी रिसेंटली परचेज किया उसके बारे में बता रहे थे। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक में वो जो गाड़ी उन्होंने परचेज किया उसका रिव्यू मैं दूँ और उसके बारे में डिटेल्स में बताऊँ, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि महिंद्रा बोलेरो जो होता है वो किस तरह की गाड़ी होती है, किस तरह से चलती है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होता है, क्या उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, मैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।